एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत भारत के आस्ट्रेलिया दरमियान 8 उड़ाना का ऐलान किया है। यह उड़ाना 1 तो 14 जुलाई तक चलनगियां। इन्हां उड़ाना लई बुकिंग 28 जून नूं दोपहर 12 बजे तो शुरू होवेगी। सिर्फ एयर इंडिया की वैबसाइट पर ही यह बुकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय कैरियर एयर इंडिया ने कहा कि उड़ाना सिडनी तो मेलबोर्न लई जाणगियां। दोनों जगह लई 4-4 उड़ाना होणगियां। मई तो एयर इंडिया वंदे भारत मिशन चला रही है, जो हाल ही विच अमरीका, फ्रांस और यूएई सरकार के एकाधिकार उत्ते इतराज़ जताने तो बाद रडार उत्ते आई है, क्योंकि कोई विदेशी एयरलाइंस भारत विच दाखिल नहीं हो सकती। हालांकि एयर इंडिया इन्हां विदेशी मुल्कां विच वंदे भारत मिशन तहत दाखिल हो रही है। एयर इंडिया वल्लों अंतरराष्ट्रीय हवाई आवाजाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कौम टीवी। ਬਰਾਡ ਹਿੰਡਾਈ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਮੋਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 999 ਰੁਪਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰ ਸਰਫੇਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 1299 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 3 ਅੰਡਰਬੋਡੀ ਕੋਟਿੰਗ, 3 ਟੈਫਲੋਨ ਕੋਟਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, 1/3 ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ 'ਤੇ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜ਼ੋਨਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈਂਡਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਡ ਹਿੰਡਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत भारत के आस्ट्रेलिया दरमियान 8 उड़ाना का ऐलान किया है। यह उड़ाना 1 तो 14 जुलाई तक चलनगियां। इन्हां उड़ाना लई बुकिंग 28 जून नूं दोपहर 12 बजे तो शुरू होवेगी। सिर्फ एयर इंडिया की वैबसाइट पर ही यह बुकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय कैरियर एयर इंडिया ने कहा कि उड़ाना सिडनी तो मेलबोर्न लई जाणगियां। दोनों जगह लई 4-4 उड़ाना होणगियां। मई तो एयर इंडिया वंदे भारत मिशन चला रही है, जो हाल ही विच अमरीका, फ्रांस और यूएई सरकार के एकाधिकार उत्ते इतराज़ जताने तो बाद रडार उत्ते आई है, क्योंकि कोई विदेशी एयरलाइंस भारत विच दाखिल नहीं हो सकती। हालांकि एयर इंडिया इन्हां विदेशी मुल्कां विच वंदे भारत मिशन तहत दाखिल हो रही है। एयर इंडिया वल्लों अंतरराष्ट्रीय हवाई आवाजाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कौम टीवी।